वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहावत को सच कर दिखाया यूपी के जनपद आगरा के शमशाबाद क्षेत्र के एक छोटे से गांव कोलारा खुर्द निवासी अंकित शर्मा ने। सीए की परीक्षा पास कर अपने माता पिता के साथ ही पूरे क्षेत्र और गाँव का नाम रोशन किया। अंकित शर्मा ने बताया कि परीक्षा में असफल होने पर मैं कभी निराश नहीं हुआ, जहां भी जो गलती हुई उसको सुधार कर फिर से आगे की तैयारी शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप अंकित शर्मा ने सीए की परीक्षा पास कर लिया। वहीं अंकित शर्मा ने इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। अंकित शर्मा ने सीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए कहा कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए रूटीन के साथ पढ़ाई करना सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण हथियार है। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, ग्राम कोलारा खुद शमशाबाद आगरा। जो आपके भाई अंकित जी कौन लगते हैं? छोटा भाई। तो उन्होंने सीए पास किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब जो क्षेत्र में जितने भी बच्चे पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, आप उनसे क्या संदेश दें? उनको यही संदेश है मेरा कि अच्छी तरह से पढ़ाई करें और सीए भी बने, आईएएस भी बने, और सभी से यही है मेरा वो है कि पढ़ लिख के अच्छी तरह कुछ बने। रामनिवास रघुवंशी। जो आपके अंकित जी कौन लगते हैं? अंकित जी हमारे क्षेत्र के हैं, गांव कोलारा के, और ये सीए की परीक्षा पास करके इन्होंने गांव कोलारा ही नहीं समूचे शमशाबाद क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वो बड़ी कड़ी मेहनत से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। आज इनका यहाँ शमशाबाद डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौहान जी के आवास पर इनका सभी परिवारजनों ने, सभी क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं से स्वागत सम्मान किया है और इनके उज्जवल भविष्य के लिए इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ दी। मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान, गाँव कोलारा खुर्द है, मैं यहीं शमशाबाद में रहता हूँ। हमारे पंडित जी ये इन्होंने सीए का एग्ज़ाम पास किया है तो हमें बहुत खुशी है, पूरे गाँव को और पूरे क्षेत्र को बड़े गौरव की बात है कि इन्होंने सीए की परीक्षा पास की है। हम सब लोग बहुत खुश हैं, ऐसे होनहार छात्रों से अपने क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है। सबसे पहले मैं सीए का अपने कुंडली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। थैंक यू। आपने सीए का एग्जाम पास किया है, क्या कहना चाहेंगे? खुश हूँ, सीए का एग्जाम पास किया है। इतने सालों से मैं मेहनत कर रहा था तो अभी मैंने एग्ज़ाम पास किया है तो खुश हूँ। मेरे घर वाले भी खुश हैं, सारे रिलेटिव भी खुश हैं। इसका श्रेय आप किसे देना चाहोगे? इसका सीए एग्ज़ाम पास करने के लिए मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हर वक्त जब भी मैं फेल होता था तो उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, अगली बार जो एग्ज़ाम आएगा उसे क्लियर कर लेना। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। आप तो यो कहां से पढ़ाई की आपने? मेरी स्कूलिंग जो हुई है जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल से हुई है, बीकॉम आरबीएस से की है, और सीए की जो ट्रेनिंग होती है वो मैंने बिमल शर्मा एंड कंपनी दिल्ली से की है। जो सीए के लिए कुछ छात्र तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? यही है कि मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सीए भी बन जाओगे, आईएएस भी बन जाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे, गिव अप कर दोगे। अच्छा लग रहा है सीए बनने के बाद, क्योंकि इंसान एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है ना, तो सीए बनने के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाती है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है।